क्या रश्मि देसाई की एंट्री से फीकी पड़ी है तेजस्वी प्रकाश की चमक? क्या आप ये चीज़ मानते हैं? क्योंकि काफ़ी ये चीज़ एक वीडियो बनी थी और जिसपे काफ़ी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछती हूँ। मैं जो न्यूट्रल फॉलोअर्स हैं, जो न्यूट्रल फैंस हैं, उनसे पूछूंगी। देखो क्या होता है ना कि रश्मि देसाई अभी नई नई आई है, उनका रोल एंट्री और वाकई जो एक्टिंग करती है सुपर धमाल करती है। जब रश्मि देसाई एंट्री की तो हमें लगा कि अरे यार कैसा करेगी वो रोल, नागिन का एंड ऑल दैट। उसके बाद जब उनकी जो रोल दिखाया वो नेगेटिव कैरेक्टर लाल नागिन के, जिसमें बेहद सुंदर लग रही थी वो। उसके बाद जब उनका डबल रोल आया, ट्रिपल, इस तरीके से काफ़ी सारे शेड्स में दिखाए गए, तो फैंस का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर अटक गया। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रकाश ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है और फीकी पड़ी है। जब तेजस्वी प्रकाश नागिन बनकर आई थी तो हम भी उन्हें ही देख रहे थे, पर हम तेजस्वी को देख देख देखते यूज टू हो गए हैं। और ये एपिसोड हमने रश्मि की वजह से देखा था, तो ऑब्वियसली सबका ध्यान रश्मि की तरफ था। जो अदर फैंडम, जो न्यूट्रल फैंस, उनकी बात कर रही हूँ। अग्री करते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना।